नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। रविवार को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू, माँ दुर्गा के 9 रूपों की होगी आराधना, सारी तैयारी हुई पूरी। गंगा के तेज उफान और लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का कहर जारी, जिले के 14 प्रखंड हुए जलमग्न। छात्रावास की जर्जर स्थिति को लेकर छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन परिसर में किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। बांका के अमरपुर में तेज रफ्तार यात्री बस ने साइकिल सवार को रौंदा, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। और तेज बारिश के कारण NH-80 पर गिरा पेड़, यातायात रहा बाधित। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र को लेकर पूरे शहर का माहौल भक्तिमय हो गया है। रविवार को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू होगा। शनिवार को महालया को लेकर दुर्गा मंदिरों में तैयारी जोर शोर से चल रही है। महालया को लेकर सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही पूजा घर एवं मंदिरों में साफ सफाई कर पूजा की तैयारियों में जुट गए। वहीं पूजा समितियों की ओर से शहर में विभिन्न जगह पर आकर्षक पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं शहर के कई दुर्गा मंदिरों में धारा प्रवाह पाठ का भी आयोजन किया जाएगा, साथ ही पंचमी पूजा से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन शुरू हो जाएगा। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से भागलपुर समेत पूर्वी बिहार में हालात काफी गंभीर हो गया है। गंगा, कोसी और गंडक उफान पर है, शहर का कई इलाका जलमग्न हो गया है, साथ ही लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण लोगों को राहत शिविर में शरण लेना पड़ रहा है। DM प्रणब कुमार ने हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बारिश के दौरान लोग अपने घरों में रहे, जरूरी काम हो तभी वह घर से बाहर निकले। भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार हो रही बारिश से भागलपुर एवं कहलगांव के बीच NH-80 पर पानी बह रहा है। वहीं सबौर मसारू पुल के समीप कलभर्ट के दोनों ओर तेजी से कटाव हो रहा है। बारिश के कारण सड़क किनारे और खुले में रह रहे बाढ़ पीड़ितों की परेशानी काफी बढ़ गई है। जिले के कई गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया है। वहीं रेल पटरियों पर भी पानी का दबाव तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों की स्पीड घटा दी है, जिससे सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PG छात्रावास की जर्जर स्थिति को लेकर शनिवार को छात्र राजद की ओर से प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन परिसर में जमा बाढ़ के पानी में खड़े होकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र राजद अध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि PG हॉस्टल 1 सहित कई छात्रावास के ग्राउंड फ्लोर में बाढ़ का पानी भर गया है, साथ ही तेज बारिश के कारण छतों से भी पानी का रिसाव हो रहा है। इसके अलावा छात्रावास में पेयजल और शौचालय की स्थिति बदतर है, जिसको दुरुस्त कराने के लिए कई बार आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि छात्रावास की स्थिति काफी जर्जर है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बांका अमरपुर मुख्य मार्ग पर फतेहपुर के समीप तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार किशोर को ठोककर मार दिया। घटना में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अमरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक किशोर की पहचान फतेहपुर गांव निवासी विकास दास के 12 वर्षीय पुत्र गौरव दास के रूप में हुई है, जबकि घायल अविनाश का इलाज चल रहा है। घटना को लेकर घायल अविनाश ने बताया कि मृतक गौरव के साथ साइकिल से नाश्ता करने इंग्लिश मोड़ गए थे। वापस घर लौटने के दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार यात्री बस ने धक्का मार दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान गौरव की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क मार्ग को घंटों जाम कर दिया, जिसके कारण यातायात प्रभावित हो गया। वहीं जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अमरपुर पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। नाथनगर सुल्तानगंज मुख्य सड़क मार्ग NH-80 पर तेज बारिश के कारण विशाल पेड़ गिर गया, जिसके कारण यातायात बाधित हो गया। हालांकि इस घटना में कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। दरअसल लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण पेड़ के नीचे की मिट्टी दलदली हो गई, जिसके कारण पेड़ बीच सड़क पर गिर गया।
हम आपको बता दें कि पूर्व में भी बीच सड़क पर पेड़ गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वहीं कई सूखे पेड़ अब भी सड़क के किनारे खड़ा है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती। नौगछिया अनुमंडल कार्यालय में डीएम प्रणब कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की। डीएम ने एसडीओ मुकेश कुमार और एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती के साथ सभी पंचायतों के मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों से इलाके में फैले बाढ़ की जानकारी ली। डीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को रहने के लिए रेलवे लाइन के समीप पक्के मकान को अधिग्रहित किया जाएगा, जिसमें बाढ़ पीड़ितों के बीच भोजन तैयार करने और खिलाने की व्यवस्था की जा रही है। डीएम ने एसडीओ को पीड़ितों के बीच पॉलिथीन सीट बांटने, पशु चारा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। डीएम ने बाढ़ से प्रभावित पंचायतों में मेडिकल टीम भेजने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया है। हम आपको बता दें कि नौगछिया अनुमंडल में 25 पंचायत के 78 गांव बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर पीवीवाई आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070907563 7542931524 6200122297 बलुआ टोला, करेला, नाथनगर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर पहुंचे राजद के संगठन प्रभारी सह पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की 1 लोकसभा और 5 विधानसभा सीट पर जीत का दावा किया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार बाढ़ और सुखाड़ की मार झेल रहा है और मुख्यमंत्री 3 महीने से राज्य का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और महागठबंधन के सभी नेता मिलकर सभी प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने के लिए कार्य करेंगे। पूर्व मंत्री ने राजद नेत्री रविया खातून को नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में लड़ने की जानकारी दी। इस मौके पर पीरपैंती विधायक रामविलास पासवान, जिला अध्यक्ष तिरुपति नाथ यादव सहित कई राजद नेता मौजूद। भागलपुर रांची एक्सप्रेस के रूट बदले जाने के प्रस्ताव को लेकर शहर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लोग जनसंपर्क और हस्ताक्षर अभियान चलाकर आक्रोश जता रहे। युवा एकता सामाजिक संगठन की ओर से युवाओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च में शहर के व्यवसायी और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि किसी भी सूरत में भागलपुर रांची एक्सप्रेस ट्रेन को यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए संगठन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर अजय कुमार सिंह, देवेंद्र प्रसाद मोदी, मंटू यादव, आरिफ आजाद सहित कई लोग मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर के अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व कई निगम पार्षदों का बाढ़ बालाओं के साथ डांस और पैसे लुटाते वीडियो वायरल होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने संज्ञान लिया है। सचिवालय की ओर से जारी पत्र में वीडियो की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को दिया गया है। कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने वायरल वीडियो में दिख रहे पार्षदों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, नगर विकास विभाग एवं डीएम से शिकायत। भारी बारिश की वजह से शनिवार को शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ टूटकर बिजली के खंभे पर गिर गया, जिसके कारण इलाके की बत्ती गुल हो गई। शनिवार को डिक्सन रोड के समीप दिन भर बिजली विभाग के कर्मी गिरे पेड़ों की कटाई कर बिजली आपूर्ति बहाल करने में लगे रहे। इस दौरान वर्षा के कारण कर्मियों को काफी परेशानियों का
भी सामना करना पड़ा। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सनहौला प्रखंड के बेलदिया गांव में मिट्टी का घर ढह गया। घटना के बाद घर में रहने वाले लोग बेघर हो गए। किसी तरह लोग पॉलिथीन सीट बांधकर तेज बारिश में रहने को विवश है। पीड़ित मुनिलाल पासवान विजय पासवान ने बताया कि हम लोग अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ हम लोगों को नहीं मिलता है। इंदिरा आवास के लिए कई बार सनहौला वीडियो अरविंद कुमार को आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि घर गिरने से घर में रखा सारा सामान भी बर्बाद हो गया है। वहीं सीओ रंजन कुमार ने जांच कर उचित मुआवजा देने की बात कही। वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में डॉली मंडल को प्रत्याशी घोषित किया है। रतन मंडल ने कहा कि वंचितों के अधिकार के लिए बिहार में सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वंचित समाज के बच्चों को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और शिक्षा की स्थिति काफी बदतर हो चुकी है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ। हमारा मकसद है, चूंकि आप जानते हैं कि भागलपुर बहुत पुराना राजधानी भी रहा और भागलपुर की जो उपेक्षा है, जैसे आम जनपद की बात है, यहाँ की ढेर सारी समस्या है। मंडल रेल मंडल की समस्या था, है आज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के मामला है। ये नौगछिया प्रखंड कार्यालय स्थित बाल विकास कार्यालय परिसर में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत शनिवार को पोषण मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रमुख सुमित्रा देवी, सीडीपीओ रश्मि रमन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर सीडीपीओ ने कहा कि जब तक हमारे समाज से कुपोषण नहीं जाएगा, तब तक बच्चे तंदुरुस्त नहीं होंगे। कुपोषित बच्चे आगे चलकर कई बीमारी से घिर जाते हैं। मेला में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, जीविका एवं पीएचडी विभाग के द्वारा स्टॉल लगाकर मेले में लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर महिला पर्यवेक्षिका निहारिका कुमारी, सविता कुमारी, रितेश कुमार, नीरज कुमार, अरविंद कुमार सहित कई सेविका एवं सहायिका मौजूद। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। रविवार को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू। माँ दुर्गा के 9 रूपों की होगी आराधना, सारी तैयारी हुई पूरी। गंगा के तेज उफान और लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का कहर जारी। जिले के 14 प्रखंड हुए जलमग्न। छात्रावास की जर्जर स्थिति को लेकर छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन परिसर में किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। बांका के अमरपुर में तेज रफ्तार यात्री बस ने साइकिल सवार को रौंदा, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। और तेज बारिश के कारण NH-80 पर गिरा पेड़, यातायात रहा बाधित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।